महाराजास् कॉलेज एर्णाकुलम की शोध छात्रा ऐश्वर्या अनिल कुमार अभी अपना पर्चा पढ़ेगी। पर्चा का विषय है गुरिल्ले का आत्मगदन, आदिवासी प्रतिरोध और सहजीविता का बयान। ऐश्वर्या जी आइए। नमस्ते, मेरा पर्चा प्रस्तुति का विषय है गुरिल्ले का आत्मकथन, आदिवासी प्रतिरोध और सहजीविता का बयान। गुरिल्ले का आत्मकथन कविता आदिवासी जीवन और उनके संघर्ष को प्रस्तुत करते हैं। ये कविता आदिवासी समुदायों की उन स्थितियों का चित्रण करती है जहां उन्हें आधुनिकता, औद्योगिकरण और हिंसक सत्ता द्वारा लगातार शोषण और विनाश का सामना करना पड़ता है। कवि गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले आदिवासियों को केंद्र में रखकर आदिवासी प्रतिरोध और संघर्ष का बयान किया है। गुरिल्ला लड़ाका अपने घर के चौखट पर बैठकर अपने चारों ओर की दुनिया पर विचार कर रहे थे। गांव वाले अपने अपने घर लौट रहे थे। मुर्गी अपने चूजों के साथ तेजी से अपने कूड में जा रहे थे और गाय बकरियां अपने स्थानों पर जा रही थी। वह गेट से लौट आया था और जैसे ही वह वहां बैठा उसने अपने चारों ओर की शांति महसूस किया। पहले गांव के बुजुर्ग मालगाड़ी से डरकर दुबक जाते थे, मानते थे कि वह काला दैत्य है। लोहा का बोझ उड़ाए मालगाड़ी गांव से निकलते थे। एक पल की गहरी सोच में उसने सोचा कि क्या बकरियां और बैल को उनके दुख का पता होता है? क्या वे जानते हैं कि वे समान संकट के दौर से गुजर रहे हैं? यदि अपने गांव से बेदखल होता है तो उनके लिए और हमारे लिए कोई चारागाह नहीं बचेगा। उसने करकटा, टेंचुआ और होरे जैसे अपने टोटम के भविष्य के बारे में भी सोचा। उसने यह भी समझा कि किसी के सहजीवियों के साथ उनके जीवन का सार एक तस्वीर में नहीं लिया जा सकता है, ना ही एक कैमरे फ्लैश से। पत्रकार और यात्रियों को यह समझना चाहिए कि उनकी भाषाओं ऐसी अर्थदुनियों से भरी हुई है जिन्हें वे कभी भी अनुवादित नहीं कर सकता। उन्हें यह नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पक्षी किस बकरी के दुख के कारण विद्रोही बना है। आदमी का मानना था कि समान दुख के लिए एक समान समाधान आवश्यक है। उसने उन पत्रकारों के सवाल किया है जो बार बार एक लाश पर अपने कैमरा को टिकाए रखते हैं, दावा करते हैं कि वे व्यवस्था की पोल गोल रहे हैं और कहते हैं कि कविता में पक्षधरता और प्रतिरोध बेमानी है। उसने सोचा कि मानव मन सबसे अधिक हत्याओं से कांपता है, हत्याओं के खिलाफ उसके पास सबसे अधिक तर्क होते हैं, लेकिन वह किसी भी तर्क की कामना नहीं करता, खासकर जब वह तर्क उसके प्रियजन और सहजीवियों की हत्या का कारण बने। आलोचकों से मांग की थी कि वह अपनी कविता में शिल्प और सौंदर्य लाए, लेकिन उसने सवाल किया कि जब उसका गांव, उसकी भूमि और उसके मित्र सभी गतरे में है तो वह कैसे कला बना सकता है? वह और उसके साथी समझते थे कि उनका दुख साचा है। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बच्चों की हत्या के लिए शोक मना रहे थे जो झूठी मुठभेद में मारे गए थे। सबसे दुखद बात यह थी कि यह सच्चाई पड़ोसी गांव तक नहीं पहुंचने दी जा रही थी। उनकी पहचान एक द्वीप में भड़कते नाविक की तरह हो रहे थे। दिशा के बिना बातों तो फैल रही थी, लेकिन वे कानून के उन अनुच्छेदों की तरह थी जिन्हें पुष्टि के लिए बार बार न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। कविता में अनिश लुगुन कविता शब्द को एक प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया है। आदिवासियों के लिए कविता एक हथियार के रूप में उपस्थित है जो उन्हें संघर्ष, शोषण और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का साधन है। युद्ध का मैदान उस संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आदिवासी लोग सदियों से करते आए हैं। कवि एक ऐसी कविता की खोज में है जो अन्याय और शोषण के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन सके। कवि की खोज ऐसी कविता के लिए है जो केवल कलात्मक अभिव्यक्ति न होकर समाज के खिलाफ उड़ने वाली एक प्रभावशाली आवाज बने। यह कविता साहित्यिक प्रतिरोध की सशक्त अभिव्यक्ति हो सकती है। कविता में लैंडमाइंस और बादी सुरंग उन गतरों का प्रतीक है जो उनके जीवन में हमेशा मंडराते रहते हैं। आदिवासी भूमि और संसाधनों पर कब्जा करके
उनकी पारंपरिक संस्कृति और अस्तित्व को गर्म करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सरकार, उद्योगपतियों के अदृश्य गतरों द्वारा आदिवासी लोग गिरे हुए हैं, जैसे युद्ध के मैदान में लैंडमाइंस, बारूदी सुरंग छिपी होती है। जिस तरह एक बच्चा युद्ध के मैदान से बचने के लिए अपने माता पिता और सज्जनों को गोजने की कोशिश करता है, उसी तरह आदिवासी लोग अपनी संस्कृति, पहचान, अस्तित्व और साहित्य के माध्यम से इस संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कवि इस बात पर सवाल उड़ाता है कि क्या युद्ध केवल आधुनिक हथियारों और मशीनों के माध्यम से लड़ा जाता है, जैसे हवाई जहाज, टैंक और युद्ध पोतों के माध्यम से लड़े जाने वाले युद्ध। ये औपचारिक समझौता उनके लिए न्याय, शोषण और संघर्ष के मुद्दों को हल नहीं करते हैं। नेताओं के हस्ताक्षर से शायद युद्ध का अंत हो जाता है, लेकिन आदिवासियों के लिए युद्ध का मतलब केवल आधुनिक हथियार से लड़ी जाने वाली लड़ाई और शांति संधियों तक सीमित नहीं है। उनके लिए युद्ध का मतलब उनके अस्तित्व, भूमि, संसाधनों और अधिकारों के लिए संघर्ष है। जब आदिवासी अपने घर की मुर्गियों, सुअर और बैलों के गायब होने की बात करता है, तो गैर आदिवासी समाज उसकी समस्याओं को तुच्छ समझता है। आदिवासियों के जीवन में उनके पशु पक्षी और जमीन उनके संस्कृति और अस्तित्व से जुड़े होते हैं। इन्हें गोना उनके लिए सिर्फ आर्थिक हानि नहीं, बल्कि यह उनके संवेदनशील और आत्मिक संबंधों का नुकसान भी है। किसी अपने को गोने के समान है, परंतु जब वे अपनी यह पीड़ा मीडिया के सामने रखते हैं, तो उनकी इस भावनात्मक पीड़ा का मजाक उड़ाया जाता है। जब आदिवासी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मीडिया और अन्य संस्थाओं अपने वित्तीय लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर नहीं। कवि कहता है कि वह किसी राष्ट्राध्यक्ष को पत्र नहीं लिखेगा, क्योंकि वह राष्ट्राध्यक्ष उसके दोस्त नहीं है और ना ही उसके प्रेम कहानी समझ सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे आदिवासियों की वास्तविक समस्याओं और संवेदना को नहीं समझते हैं। उनके लिए आदिवासियों के संघर्ष केवल मजाक है। आदिवासियों के लिए उनके पशु पक्षी, जंगली लताएं, फल और पहाड़ केवल साधन नहीं है, बल्कि उनके जीवन और संस्कृति के हिस्से हैं। इनसे गहरा प्रेम है, लेकिन बाहरी लोग इसे सिर्फ मजाक समझते हैं। जब सत्ता के लोग और राष्ट्राध्यक्ष अपने शिखर सम्मेलन में व्यस्त होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय अपनी जमीन और संसाधनों को खो रहे होते हैं। आदिवासी अब अपने जंगल, नदियों, पहाड़ और जमीन से विस्थापित हो चुके हैं और उनके पास अब कोई पीछे हटने का स्थान नहीं बचा है। वे एक जंगल से विस्थापित होकर दूसरी जगह आश्रय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं बचा है। वे आधुनिकता की प्रक्रिया में हर दिन विस्थापन, शोषण और पीड़ा का सामना कर रहे हैं। आधुनिकता ने आदिवासियों के जीवन को आदिम, पाशविक और असभ्य मानकर उन्हें समाज से विस्थापित कर दिया है। एक संधि पत्र आदिवासियों के अस्तित्व और उनके अधिकारों के खिलाफ किए गए वे फैसले हैं, जिनमें उन्हें हाशिए पर रखा गया है। आदिवासी समाज को लगातार किसी न किसी के द्वारा एक ऐसे संघर्ष या युद्ध की स्थिति में धकेला जा रहा है, जिसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है। यह संघर्ष उनके द्वारा चुना हुआ नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे अपनी जमीन, संसाधन और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े। चिड़ियामार उन बाहरी ताकतों का प्रतीक है, जो आदिवासी युवतियों का पीछा करते हुए उनके गांव तक पहुंचते हैं। ये शक्तियां उनके जीवन में घुसपैठ करती हैं और उनके समुदाय को तबाह करने की कोशिश करती है। जब तक उनके घाव को जला नहीं दिया जाता, तिलस्मी सुरंग बारूदी सुरंग नहीं बनती, जिसका मतलब है कि गतरे तब तक गुल कर सामने नहीं आते जब तक आदिवासी समुदाय का पूर्ण विनाश नहीं हो जाता। सरकारी बल या अधिकारी लोग जंगल में छिपे हुए विद्रोही या संघर्षशील लोगों को ढूंढने की कोशिश के दौरान उनके माताओं से या बहनों से जब वे जंगल का ठिकाना पूछते हैं, वे उन संघर्षशील लोगों का पता जानने की कोशिश कर रहे हैं जो इस जंगल में रह रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
जब वे अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी मांगते हैं, तो डर के मारे लोग झूठ बोलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सच बताने पर उनके जीवन को खतरा हो सकता है। कविता यह दर्शाती है कि आदिवासी युवतियां, जो छिड़ी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है, अपने गीतों के माध्यम से जीवन के सरल सुगम को जीती है, जबकि आदिवासी युवक अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के अनुभव का सम्मान करते हैं, भले ही उनका संघर्ष खुशियों का तरीका भिन्न हो। छिड़ी का गीत और हथियार के दम पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले आदिवासियों का संघर्ष दोनों ही आदिवासी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। शाम के धुंधलाके में गुरिल्ला लड़ाका अपने अकेले घर की चौखट पर बैठा है, जहां चारों ओर की हलचल धीमी होती है। सभी प्राणी अपने अपने स्थल में रौते हैं। मुर्गियों चूसे सहित दड़बों में चली गई है। बैल बकरी और पागुर करते हुए अपने स्थलों पर पहुंच चुके हैं और सुअर दक कर सुस्त हो गए हैं। कविता एक गहरे जुड़ाव का भाव व्यक्त करती है, जिसमें गुरिल्ला लड़ाका भी अपने दिन के कामों के बाद उसी सुकून की तलाश में है, जो अन्य प्राणी अपने अपने स्थान पर पाकर अनुभव करते हैं। पहले आदिवासी पुर के मालगाड़ी, जो लोहे का कचरा टोते हुए आदिवासी गांव से गुजरती है, को देख कर डर जाते थे, उन्हें काला दायित्व मानते थे, क्योंकि यह उनके जीवन में नया और अनजान था। मालगाड़ी का शोर, उसका आकार और रात के सन्नाटे में उसका गुजरना उनके लिए किसी भयानक राक्षस के आगमन जैसा लगता था। कविता में आधुनिकता का हस्तक्षेप और आदिवासी जीवन के पारंपरिक संतुलन का टूटना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिकता की तेजी ने उस पुराने शांतिपूर्ण और प्राकृतिक जीवन को छीन लिया है, जो अभी आदिवासियों का अभिन्न हिस्सा था। आदिवासियों के लिए कविताएं केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं है, वे उनके दर्द, संघर्ष और अन्याय का दस्तावेज है। ऐसी कविताएं अंधेरे में राहत की चांदनी बांटती हैं, जो कठिनाइयों के बीच एक आशा की किरण है। आदिवासियों की समस्याओं का समाधान मुख्यतः शासन और नीति में परिवर्तन के माध्यम से ही संभव है, लेकिन जब शासन पर बैठे लोग अब उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो आदिवासी लोग खुद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लेते हैं। वे न केवल बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि अंधेरे यानी अन्याय और शोषण के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। आदिवासी कविताएं उनके दर्द और शोषण को व्यक्त करने के साथ साथ एक सामूहिक आवाज भी है। कवि यह सोचते हैं कि क्या पागुर करती बकरियां और बैल, जो आदिवासी जीवन के अभिन्न हिस्सा है, उनके दुख और संगड़ों को समझते हैं। ये प्रश्न दर्शाती है कि आदिवासी और उनकी सहजीवियों के बीच एक गहरा संबंध है। कवि यह बताते हैं कि अगर गांव से बेदखल होने की स्थिति में, तो यह न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि उनके जानवरों के लिए भी विनाशकारी होंगी, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनके जीवन पर्यावरण और सहजीवियों से जुड़ी है, जिसे पत्रकार और पर्यटक लेखकों को समझना चाहिए। आदिवासी भाषाओं में एक विशेष अर्थ और दुनिया होती है, जिसे बाहरी लोग अनुवाद के माध्यम से समझ नहीं सकते हैं। आदिवासी लोग हमेशा मृत्यु के साये में जीने के बावजूद भी सहजीवियों के जीवन और अपने अस्तित्व के लिए साहसपूर्ण संघर्ष करता है। इसे देखकर शोषक वर्ग को अपनी क्रूरता पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि वह निरपराध लोगों का जीवन छीन रहे हैं। आदिवासी कविता शब्दों की मरुभूमि से नहीं मुक्ति, बल्कि यह पूर्वों और प्रकृति के गहरे अनुभवों से उपजती है। वह जीवन के उत्सव गेती और धरती के माध्यम से महत्व को समझाता है। कविताएं आदिवासियों की दबी हुई आवाज को मुखर रूप में प्रस्तुत करती है, जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनके दुख, दर्द और संघर्ष का प्रतीक है। पश्चिमवादी समाज, जो कविता को केवल आनंद का साधन मानते हैं, इन कविताओं को समझने में असमर्थ है, क्योंकि उनके लिए आदिवासी समाज का दर्द को महसूस करना और उसके उसके पक्ष में गड़ा होना आवश्यक है। आदिवासी जीवन और उनकी कविता सहजीविता पर आधारित है, जिसमें प्रकृति और सहजीवियों के साथ उनका नाभिनाल बंध रिश्ता है। आधुनिकरण और विकास के नाम पर
आदिवासियों को उनके मूलभूत अस्तित्व के अस्तित्व से अलग करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ वे सदियों से संघर्ष करते हैं। ये कविताएं आदिवासियों के प्रतिरोध का रूप है, जो उन्हें शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने का माध्यम बनती है। जब शासन उनकी समस्याओं को समझने में विफल रहता है, तो आदिवासी अपने आवाज से खुद उड़ाने को मजबूर हो जाते हैं। कविताओं के माध्यम से आदिवासी अपने अस्तित्व, संघर्ष और प्रतिरोध को अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद।